पूरे देश के लोगों को आज के दिन का इंतजार रहता है। इस साल आज यानी 26 जनवरी 2022 को हम लोग अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस बीच शायद आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, क्यों रिपब्लिक डे मनाने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया। आखिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है कि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व बन गया है। तो चलिए यहाँ जानते हैं इस तारीख के इतिहास के बारे में। इस इतिहास को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। साल 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। हालांकि स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया, यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद संविधान को लागू करके इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर घोषित कर दिया गया। अब यहाँ सवाल है कि इस दिवस को मनाने के लिए आखिरकार 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया और ये तारीख ही क्यों चुना गया। तो बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह थी। 26 जनवरी की तारीख ही क्यों? 26 जनवरी 1930 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 20 साल बाद उसी दिन संविधान लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ झंडा फहराया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। तब से हर साल 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।